श्रीवास्तव के निधन का सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ। एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर तो वो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े दया भाव रखते थे। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते थे। जब भी मिलते थे गर्म जोशी से मिलते थे, तपाक से मिलते थे, गले लगकर मिलते थे, खुशी से मिलते थे और हंसाते थे। मैंने बहुत बार उनसे मुलाकात की, उनके साथ वक्त गुजारा, उनके साथ हंसी मजाक किया। मैंने कभी भी उनको सीरियस मूड में नहीं देखा। मतलब आमतौर पे कॉमिक एक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं रियल लाइफ में, मगर वो रियल लाइफ में भी वैसे ही थे जैसे वो स्टेज पर थे, पर्दे पर थे। और सबके लिए उनके मन में अच्छे विचार थे, सबके बारे में अच्छा ही बोलते थे, सबके बारे में अच्छे आशीर्वाद दुआ वाली बात करते थे। जहाँ भी कहीं जाओ, बहुत उन्होंने कॉमिक एक्टर्स का बहुत साथ दिया है, उसको एक ऐसे वर्ल्ड स्टेज पर ला के दिया, खड़ा किया है हिंदुस्तान में। मेरी उनके परिवार वालों से बात होती रहती थी और वो बोलते थे कि नहीं, बड़े वो पॉजिटिव थे कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद ऊपर वालों को हंसाने वाले की ज़रूरत थी और उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, मगर बड़ी जल्दी बुला लिया ऊपर वालों ने राजू श्रीवास्तव को। राजू की शक्ल आते ही एक हंसी आती थी उनके। मैं यूट्यूब पे सबका मजाक उड़ाते थे लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था। वो उन कॉमिक एक्टर्स में से नहीं थे कि वो किसी की बुराई करके हंसाते थे लोगों को। वो उनको देख के बड़े से बड़ा कलाकार, चाहे वो उसकी मिमिक्री करते थे या आम सिचुएशन में, चाहे बड़ी से बड़ी हस्ती, लेकिन कभी किसी के मन में ये नहीं आता था यार क्या कर रहा है यार। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष भी नहीं था। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वी हैव लॉस्ट अ वेरी वेरी गुड सोल एंड गुड ह्यूमन बीइंग एंड मे गॉड गिव हिज फैमिली स्ट्रेंथ टू डील विद दिस लॉस। ओम शांति।